रिजल्ट्स मतलब के नतीजा हर किसी को चाहिए, ख़ास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स को। रिजल्ट्स का मतलब हर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए शोहरत और किसी के लिए लाखों सब्सक्राइबर्स और किसी के लिए ये सब कुछ लाजमी है। लेकिन एक चीज़ इन सब में कॉमन है जो हर कंटेंट क्रिएटर्स को चाहिए, मतलब के जल्दी रिजल्ट्स। रिजल्ट्स की मिसाल पैसों की तरह है, जिसके पास नहीं है उसे चाहिए और जिसके पास है उसे और चाहिए। और पर ज़रा एम्फिसाइज़ किया है। आपने सुना तो होगा कि हर चीज़ अपने वक्त पर होती है, आपका वक्त नहीं तो कुछ नहीं, और इसका टैलेंट और हार्ड वर्क से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। दूसरी तरफ ऑडियंस को भी हर बार न्यू कंटेंट चाहिए और पहले से बेहतर, और यही चीज़ कंटेंट क्रिएटर्स को उम्मीदों के पहाड़ तले दबा देती है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स अपना सफ़र छोड़ देते हैं। यहाँ सबसे अहम चीज़ ऑडियंस है। भाई देखें, ऑडियंस को तो कंटेंट चाहिए और वो भी बहुत जल्द, शानदार, मसालेदार और हाँ चटखारेदार भी। फाइनली जब कंटेंट क्रिएटर्स अपना कंटेंट मंशूर करा देता है, मतलब के पोस्ट कर देता है, तो अगर ऑडियंस को कंटेंट पसंद नहीं आए तो जाहिर सी बात है कि कमेंट सेक्शन नेगेटिव फीडबैक से भर जाता है, और जिससे ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स मायूस हो जाते हैं। यहाँ लोग एक बात भूल जाते हैं कि एक वीडियो के पीछे किसी कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर की कितने दिनों की मेहनत होती है, और ये बात उस वक्त और मुश्किल हो जाती है जब कंटेंट क्रिएटर के पास रिसोर्सेज ही ना हो या बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज हो। लेकिन ये बात थोड़ी किसी को दिखती है, तो कहीं ना कहीं आय शाय बैंक करने वाले लोग आगे निकल जाते हैं और डिजर्विंग कंटेंट क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स या तो पीछे रह जाते हैं या अंडर रेटेड रहते हैं, विच इज़ वेरी सैड। आपने सुना तो होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गलत, प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट, क्योंकि देर इज ऑलवेज अ रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो अगर आपको किसी का कंटेंट पसंद आए तो उन्हें सपोर्ट करें एक छोटे से थम्स अप से, कमेंट से और उनका चैनल सब्सक्राइब करने से। और मज़े की बात तो यह है कि इसके पैसे ही नहीं लगते, और इस तरह डिजर्विंग कंटेंट क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स को आगे लाएं। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। Tus besos fríos como el invierno, lo sé. Pero tal vez estás con otro que no te quiere. Pero yo te quisiera más.